हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ मोबाइल में, जो कि मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ कि आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। जो कि मेरे पास एक MI का फ़ोन है, उसमें अभी क्या है, 2 दिनों से उसका एक बॉक्स आया है। ये बॉक्स में क्या होता है कि जब मैं लॉक स्क्रीन खोलता हूँ और मोबाइल मेरा रिस्टार्ट हो जाता है। जब लॉक स्क्रीन खोली जाता है तो फिर मोबाइल रिस्टार्ट, जब तक लॉक स्क्रीन नहीं खोलता हूँ तब तक ठीक रहता है मोबाइल, लेकिन लॉक स्क्रीन खोल जाता हूँ तो मोबाइल रिस्टार्ट हो जाता है। और उसमें कुछ भी एप्लीकेशन के अंदर में मैं नहीं जा सकता, तो मैं सोचा उसके बारे में एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोग को उसके बारे में बताता हूँ कि आप भी उस चीज़ को प्रॉब्लम में होंगे। तो अभी ये क्या है कि 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम नया बॉक्स आया है, तो बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि इसमें क्या है। जो एयरटेल एप्लीकेशन है उसमें प्रॉब्लम है। अभी जो नया एयरटेल एप्लीकेशन अपडेट आया है उसमें प्रॉब्लम है। उसको अगर आपका मोबाइल में इंस्टॉल हुआ है तो फिर ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। और आप क्या करते हैं, आपको आपके पास दो चीज़ें, अगर आप मोबाइल में लॉक स्क्रीन रखे हो तो तुरंत लॉक स्क्रीन खोल के आप एयरटेल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, तो ये चीज़ आपका मोबाइल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ है, अगर आपके मोबाइल में लॉक स्क्रीन है ही नहीं, तो फिर आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, हार्ड रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें आपका डाटा सब चला जाएगा। तो जिनके मोबाइल में लॉक स्क्रीन लगा हुआ है वो अपने एयरटेल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए और ये बॉक्स इसका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कमेंट करके बताइएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, और ये वीडियो को आपका दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जिनके इनका मोबाइल में से ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए, और आपका एक लाइक लाइक तो बनता जरूर है।